मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में, तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्याय न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो ये भी हम कमाल की नई बात सुन रहे हैं, देखा जाएगा। लेकिन ये शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, जिस कार्रवाई में भाग लेने से केजरीवाल जी हमेशा भागते रहे। तो अब न्यायालय ने सुना, सब कुछ हुआ, इसलिए अब जो लोग तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक गंभीर मामले में न्याय प्रक्रिया को अपना काम कर दिया जाए। एक सवाल है, सकते हैं सर, गिरफ्तारी हो चुकी है, अब कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो सीएम आवास पे भी जाने वाला है, कहने का इंडिया अलायंस, अब उनके अलायंस क्या करने वाले हैं, तो भ्रष्टाचार में लोग साथ ही डूबे हुए हैं। मोटी बात यह है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं और देश की अपेक्षा है, न्यायालय की अपेक्षा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए, तो आबकारी मामले में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ है, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में है या नहीं है, जब ईडी के पास कुछ सबूत है तभी तो ये बात चल रही है। हाँ, तूने जवाब दिया नहीं, तो एक कानून की प्रक्रिया है भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं वो करें, अब देश भी देखेगा। सुचिता, नैतिकता की बात करने वाले अब जेल से ही सरकार चलाने की बात।